तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लास रेलिंग के बारे में, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही एक कॉमन आइटम है। ज़्यादातर ये आइटम इंजीनियर्स को इंटीरियर के पैकेज में देखने को मिलती है, या फिर बिल्डिंग का जो फसाड का यानी कि जो ग्लास का काम होता है या फिर उसमें देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक कोई क्यूएस या फिर एस्टीमेशन इंजीनियर किसी भी टाइप की ग्लास रेलिंग के लिए वो अगर काम कर रहा है तो उसमें कितने टाइप्स की ग्लास रेलिंग देखने को मिलेंगी, दूसरा इनमें कौन कौन सी एक्सेसरीज उसमें फिटिंग्स यूज होते हैं, जिसको आज मैं एक बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बताने वाला हूं, और इसमें कितने टाइप के ग्लास यूज होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स, तो वो भी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड भी दूंगा, जो भी डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस की जाए तो आज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कितनी चीज़ें आपको पता थी, यानी कि जो भी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए एक इंजीनियर के माइंड में अगर वो ग्लास रेलिंग के लिए कॉस्टिंग कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सेफ्टी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप किसी मॉल के लिए ग्लास रेलिंग की कॉस्टिंग कर रहे हैं और उस मॉल का अभी कुछ पता नहीं है आज की डेट में वो कितना मार्केट में डेवलप करेगा क्या करेगा, और सपोज इन फ्यूचर कभी सलमान खान या फिर कोई एक स्टार अगर उस मॉल में मूवी के प्रमोशन के लिए आ जाता है तो वहाँ की जितनी भी पब्लिक होगी वो पूरा लोड उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर के पूरा रेलिंग पर ही दे देगी। और ऐसा बहुत सारे मॉल्स में देखा जाता है, लेकिन जहां पर ये रेलिंग अगर प्रॉपर डिजाइंड या फिर वैल्यू एडिशन के द्वारा नहीं डिजाइन की गई है तो वहां पर एक मिस हैपनिंग के चांस रहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इंजीनियर के लिए कि जितनी भी हमारी रेलिंग की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं तो उनके थ्रू ही ग्लास रेलिंग को लेना है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। देखिए जितनी भी आपकी टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं तो उनके खुद के डिजाइंस पेटेंट्स उनके सेक्शंस प्रोफाइल उनके द्वारा ही रजिस्टर्ड होते हैं और उन पर एक प्रॉपर वैल्यू इंजीनियरिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ग्लास रेलिंग के कितने टाइप्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद में एक ग्लास का जो आपका स्पेसिफिकेशन है यानी कि कितने टाइप के ग्लास हमारे रेलिंग में यूज हो सकते हैं और उनके क्या केसेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पोस्ट ग्लास रेलिंग जो सबसे पहला है, ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं ये आपकी बहुत ही कॉमन रेलिंग है और सेफ्टी के केस में ये आपकी हायर साइड में है। दूसरी आपकी बेस रेल ग्लास रेलिंग, यानी कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपकी बेस रेल है जिसमें एक सेक्शन है जो फ्लोर से कनेक्टेड है, वो कंटिन्यूटी में जैसे जैसे आपकी रेलिंग चल रही है वो वैसे ही जाएगा। इसके बाद में पिन ग्लास रेलिंग, इसमें छोटी छोटी सी आपकी राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में फिटिंग्स होती हैं जिनके बेसिस पर ग्लास को पूरा पेस्ट कर दिया जाता है वॉल के फेशिया पे या फिर जो भी आप इमेज में देख रहे हैं। इसके बाद में आ जाती है टेलन ग्लास रेलिंग। टेलन ग्लास रेलिंग बेसिकली कुछ ब्रैकेट्स होते हैं फिटिंग्स होते हैं जिनको फिक्स करके ग्लास को सीधा उसमें फिक्स कर दिया जाता है, तो वो भी आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद में जो एसेंड टेलन ग्लास रेलिंग, यानी कि इसमें क्या होगा जो पोस्ट हैं ब्रैकेट्स के वो थोड़े से बड़े होंगे एज ए सेफ्टी फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो आपको देखने को मिलेगी एक कॉमर्शियल यूज में वो आपको मिलेगी पोस्ट, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर इसमें ज़्यादा है बेस रेल। इन दो के बीच में क्यूएस या फिर एस्टीमेशन को ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक ग्लास रेलिंग और होती है जिसमें आपको फिटिंग्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, उसमें कंटिन्यूटी में ओवरऑल ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलेगा, वो होती है आपकी सीमलेस ग्लास रेलिंग। यानी कि ओवरऑल जो ग्लास रेलिंग के जो टाइप्स हैं वो आपको सिर्फ 6 टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इनमें जो वैल्यू इंजीनियरिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्लास का, दूसरा है एल्यूमिनियम, यानी कि ये जो इसका जो मैकेनिज्म है रेलिंग का वो एल्यूमिनियम में भी
हो सकता है। एल्यूमिनियम आपका कैसा होता है, ये आपका एक्सट्रूडेड सेक्शंस होते हैं जैसे कि इमेज में देख रहे हो, और इनको टेम्पर किया जाता है इनकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वो आपका T5 या फिर T6 की ग्रेड में हो सकता है। और तीसरा होता है SS304 या फिर 316 ग्रेड, जो उसके बेसिस पे आपकी जो टॉप रेल की फिटिंग है, तो इन्हीं तीन के बेसिस में ये कॉस्ट ड्राइव आउट होती है। अब इसके लिए जो एक प्रॉपर एनालिसिस है, जिनके जो ओवरऑल तीन केस मैंने इस एक्सेल की शीट में किए हुए हैं, और ये एक्सेल की शीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स आपको यहां पर अंडरस्टैंड करने होंगे कि अगर इन फ्यूचर अगर आप किसी भी मॉल के लिए, रिटेल के लिए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी वेंडर या सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से अगर आप नेगोशिएट करोगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करोगे, तो उनमें किन किन चीज़ों पर डिस्कशन करना है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ग्लास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एल्युमिनियम को, फिर एसएस की फिटिंग्स को। अब देखिए ग्लास के जो केसेस हैं वो आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, हमें हमेशा सेफ्टी ग्लास यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपको टफंड ग्लास, और इसमें एक केस और होगा एचएस ग्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रेंथन ग्लास या फिर सेमी टेम्पर्ड ग्लास। दोनों में फर्क क्या है और दोनों के यूजेस क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए जब कभी भी आपका टफन ग्लास टूटेगा तो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, जिससे कि किसी को कोई इंजरी ना हो, तो वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब टफन ग्लास को यूज करने को आप 8 mm से लेकर 12 mm की थिकनेस तक यूज कर सकते हो, और यही मोस्ट ऑफ केसेस में कॉमन आइटम आपको देखने को मिलेगी 8 से 12 एमएम की। अब यहां पर बात आ जाती है एचएस ग्लास अगर यूज ज्यादातर किया जाएगा तो वो ग्लास के लैमिनेशन के साथ किया जाएगा, और लैमिनेशन में भी वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पीवीबी के साथ और एक होता है एसजीपी के साथ। एसजीपी को हम लोग बोलते हैं सेंट्री ग्लास प्लस, और पीवीबी को आप यहां नीचे पढ़ सकते हो। अब इन दोनों में से ज्यादा सेफ्टी कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो प्रोवाइड कराता है एसजीपी। देखिए एसजीपी इतना ड्यूरेबल है कि अगर आप उसको एक फ्लैट रूफ के केस में अगर किसी ग्लास को एसजीपी के साथ कंबाइंड करो और वो ग्लास अगर टूट जाए तो वो एक सिंगल पार्टिकल को भी नीचे नहीं गिरने देगा। तो एसजीपी मोस्ट ऑफ केसेस में जो ग्लास की स्काईलाइट या फिर रूफ्स होती हैं तो उनमें यूज होता है, लेकिन जो आपका वर्टिकल जो रेलिंग में यूज होता है ग्लास, वो ज़्यादातर पीवीबी के साथ जाएगा। अब ये आइटम आपको ग्लास में कैसे देखने को मिलेगी, जो भी आपके इंटीरियर के बीओक्यू, फसाड के बीओक्यू होंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगी पीवीबी में 13.52 mm ग्लास, और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होगा, 6 mm का आपका एचएस ग्लास होगा, या फिर मे बी हो सकता है वो टफंडो प्लस 1.52 mm की पीवीबी होगी प्लस 6 mm का फिर से ग्लास होगा। तो यानी कि ये क्या है, एक सैंडविच पैनल है। अब टफंड ग्लास और एचएस ग्लास में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आप पीवीबी के साथ यूज कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि ग्लास अगर इनकेस टूट जाता है तो वो किसी भी फ्लोर पे सेग्रीगेट ना हो। मॉल में नीचे बहुत सारे कियोस्क होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं खाने की, आइसक्रीम की, तो ऐसा ना हो ग्लास टूट गए, अगर हमने सिंगल टफंड ग्लास यूज कर दिया बिना लेमिनेशन के, टूटने के बाद हो सकता है उसके वो खाने में चला जाए या किसी के सर पे गिर जाए या फिर फ्लोर में बिखर जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादातर आपको लेमिनेशन ग्लास के साथ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टफंड ग्लास बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, और जो आपका एचएस ग्लास है वो टफंड ग्लास के कंपैरिजन में थोड़े बड़े पीसेस में टूटेगा, जिससे उसको एरिया थोड़ा अच्छा मिले और उस लैमिनेशन के साथ वो अच्छे से चिपका रहे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर ये हमारी बात पूरी हो जाती है ग्लास को लेकर, जो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बात आती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम में सबसे पहला पॉइंट हो गया था हमारा कि वो एक्सट्रूडेड टेम्पर्ड सेक्शन होंगे, लेकिन इनके ऊपर की फिनिश कैसी देनी है, क्योंकि एल्युमिनियम आपका ग्रे कलर में आता है। सपोज बहुत सारे रिटेल मॉल शॉप्स का क्या होता है कि अपना एक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर मान लीजिए आपको अगर कोई कलर कोडिंग वगैरह देनी है तो आप उसके ऊपर PVDF की पाउडर कोटिंग कर सकते हो, ठीक है।
यानी कि उसके ऊपर पाउडर कोटिंग के थ्रू जो भी कलर का शेड डिजाइन जो चाहिए वो आपको सेक्शन के ऊपर मिल जाएगा। और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा इसमें एनोडाइज्ड। अब एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग में क्या फर्क है, देखिए ये आपका एक टाइप से स्प्रे पेंट मेथड है और एनोडाइजिंग आपका एक डिप मेथड है, यानी कि किसी कोई एल्युमिनियम के सेक्शन को आप किसी लिक्विड में डिप करके अगर निकाल रहे हो उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए तो वो आपका एनोडाइजिंग होता है। ये आपकी ज़्यादातर 40-50 माइक्रोन में मिलेगी और ये भी आपका सेम होगा, लेकिन ये थोड़ा एनोडाइजिंग थोड़ी लोअर कॉस्ट में होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि SS स्टेनलेस की जो फिटिंग्स होंगी जिसमें मोस्ट ऑफ केसेस में कॉमन होती है रेलिंग की टॉप रेल, वो माउंटेड में है यानी कि ग्लास के उससे फिटिंग से बाहर निकली हुई है या ग्लास की रेलिंग के ऊपर ही कैपिंग की हुई है, तो ये दो केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और SS के ऊपर अगर आप कोटिंग कराओगे तो उसके ऊपर आपकी कोटिंग होती है PVD की कोटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन SS में फिनिश या फिर जो उसकी एक जो साइन है वो ऑलरेडी उसमें होती है, तो ज़्यादातर केसेस में ये फिनिश कोई नहीं कराता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो SS 304 या फिर 316 के ग्रेड को एज इट इज़ उसकी फिटिंग्स में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो रेलिंग होगी वो टफंड ग्लास के साथ में होगी तो उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग, अगर वो लेमिनेशन में है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है तो उसके बेसिस पे कॉस्ट फाइंड आउट होगी, अगर उसमें SGP यूज हो रही है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी क्योंकि PVB से SGP डबल कॉस्ट है। इसके बाद में एल्यूमिनियम की कॉस्ट, वो जो सेक्शन है अगर वो एनोडाइजिंग में है तो एनोडाइजिंग की कॉस्ट एल्यूमिनियम के साथ लेके चलेंगे, या फिर PVDF के साथ है तो PVDF की कॉस्ट लेके चलेंगे, और टॉप में जो आपकी स्टेनलेस SS की फिटिंग्स आएंगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये आपका एक बेस है जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम चलते हैं रेट एनालिसिस के ऊपर, जिससे कि ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए। और ग्लास के ये जो भी केसेस हैं तो मैंने एक्सेल में ऑलरेडी उनकी कॉस्ट मैंने निकाल के रखी हुई है कि जिससे कि रेट एनालिसिस ग्लास रेलिंग का आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कॉस्टिंग को। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ग्लास रेलिंग के रेट एनालिसिस के बारे में, और इसका एक प्रॉपर जो रेट एनालिसिस है वो मैंने 3 आइटम्स के लिए किया हुआ है। तो सबसे पहले ग्लास को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने टाइप के ग्लास हमारे रेलिंग में यूज होते हैं और उनके मार्केट में एक एवरेज प्राइस क्या है। अब देखिए 8 mm का जो टफंड ग्लास है पर स्क्वायर मीटर का प्राइस 1100 रुपये के आसपास है। इसके बाद में जो 10 mm है वो 1345, 12 mm का है वो 1560। अब यहाँ पर जब बात आती है लैमिनेटेड ग्लास की तो आपको जो आइटम देखने को मिलेगी BOQ में वो 13.52 mm की, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा 6 mm का HS यानी कि हीट स्ट्रेंथन ग्लास प्लस 1.52 mm की PVB प्लस 6 mm का ग्लास, जिसमें PVB की सीट आपकी 1450 रुपये है और आपका जो 6 mm का ग्लास है वो 750 रुपये के आसपास है। तो मैंने क्या किया है 750 × 2, क्योंकि हमारे 2 6 mm के ग्लास हैं और 1450 हमारी PVB की सीट है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप SGP में जाएंगे तो इसमें 2 thickness अवेलेबल हैं जो कि 0.79 और 1.52, जिसमें आपके 0.79 का प्राइस 1550 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास है और 1.52 की 2750 के आसपास है। तो वही सेम कैलकुलेशन मैंने इसमें भी की हुई है, यानी कि 2 glass लिए हैं उसके बाद में SGP की कॉस्ट है और वही सेम केस इसमें है। अब इसमें 2 points आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं कि अगर किन्हीं किन्हीं केसेस में आपको कर्व या फिर राउंड शेप में कोई सी ग्लास के लिए वर्किंग करनी पड़ती है, तो इसमें SGP और PVB को छोड़कर जो आपका ग्लास की कॉस्ट होगी वो 4 times एक्स्ट्रा हो जाएगी। और इसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा क्लियर या फिर अल्ट्रा क्लियर ग्लास यूज करते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है तो वो 1.2 times एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बेस हैं जिसमें SS 304 का रेट मैंने 350 रुपये kg, एल्यूमिनियम के एक्सट्रूडेड सेक्शन है वो 275 रुपये kg, पाउडर कोटिंग की कॉस्ट 60 रुपये/kg, तो इसके हिसाब से मैंने ये बेस रेट लिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्यूमिनियम बेस रेल ग्लास रेलिंग, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन टाइप की रेलिंग है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर को इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस रेलिंग का एक जस्टिफाइड प्राइस कितना होना चाहिए। तो ये रेट एनालिसिस हम करेंगे 10 रनिंग मीटर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 mm का टफंड ग्लास ले लेंगे, और 10 रनिंग मीटर के लिए कर रहे हैं तो हमें ऑन एन एवरेज 1 square meter यानी कि 10% एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि आपकी जो इसमें रेलिंग की हाइट है वो 1200 mm की है, जिसमें ये ब्रैकेट में मान लेता हूँ 150 mm का है, टॉप रेल की जो कैपिंग है वो 50 mm की है, तो 200 mm आपका इसमें कवर हो जाता है और क्लियर हाइट बचती है 1 meter की। लेकिन कुछ
जो हाइट है वो इस सेक्शन के अंदर भी जाएगी, जैसा कि आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ली हुई है। किन्हीं किन्हीं केसेस में अगर ग्लास की हाइट कम है तो आप वहाँ पर कम भी कंसीडर कर सकते हो। तो मेरा 11 स्क्वायर मीटर ग्लास हो गया, रेट 1345 जो कि हमारा 10 mm के टफंड ग्लास का है। इसके बाद में जो हमारी ग्लास की कॉस्ट आ जाती है, 10% हम इसके ऊपर वेस्टेज लोड कर देंगे जो मैंने इसके ऊपर की हुई है। तो यहाँ पर ये ग्लास की कॉस्ट हमारी हो जाती है। अब आप जो ये एल्युमिनियम के एक्सट्रूडेड सेक्शंस देख रहे हैं तो इनके जो वेट हैं ये 4.5 kg, 5.5 kg या फिर 6 kg तक भी चले जाते हैं पर रनिंग मीटर में। और ये डिपेंड करता है कि आप सेक्शन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, 10 रनिंग मीटर मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो 45 kg मेरा एल्युमिनियम का वेट हो गया। यहाँ पर प्राइस आ गई, ये हमारी एल्युमिनियम की कॉस्ट आ जाती है। वेस्टेज मैं इसमें 5% ले रहा हूँ तो ये मेरी वेस्टेज की कॉस्ट आ गई। इसके बाद में इस रेलिंग के ऊपर आपको कोई फिनिश देनी होगी तो उसके लिए आपको पाउडर कोटिंग या फिर एनोडाइजिंग करनी पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पर पाउडर कोटिंग की कॉस्ट ले रहा हूँ जो कि हमारा 1.65 रुपये के आसपास का प्राइस है। वेट हमारा एल्युमिनियम का ऊपर से आ रहा है तो ये हमारी पाउडर कोटिंग की कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद में हमें लगानी होती है EPDM गास्केट की रबर, यानी कि जो मेटल है वो आपके ग्लास को टच करती है। लेकिन उससे रिस्क क्या रहता है कि मेटल के टच होने से ये टफंड ग्लास क्रैक हो सकता है या फिर टूट सकता है। तो ग्लास के कॉन्टैक्ट को मेटल से अलग करना है तो वहाँ पर ये EPDM की रबर लगाई जाती है। आप इमेज में उसके रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या जाते हैं, एक्सपेंडेबल फास्टनर, यानी कि इस ब्रैकेट को फ्लोर में फिक्स करने के लिए आपके फास्टनर लगते हैं। तो फास्टनर को मैंने क्या किया है, एवरेज ऑन एन एवरेज 1 मीटर में 3 फास्टनर मैंने लिए हैं। तो उसका जो एक प्राइस है हिल्टी का जो मैं ले रहा हूँ 65 रुपये, तो ये हमारी फास्टनर की कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद में आपके जो टॉप में आप अगर आपको लगाना है तो आप रेलिंग भी लगा सकते हो, प्रोजेक्टेड रेलिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक टॉप रेल 65 mm डाया का ले रहा हूँ, SS304 के ग्रेड का, जिसकी ऑन एन एवरेज जो वेट होता है पर रनिंग मीटर में 2.5 से 3 kg होता है। तो मैं यहाँ पर हायर साइड में ले रहा हूँ तो 10 रनिंग मीटर मल्टीप्लाई बाई 3, 30 kg और उसका प्राइस है हमारा 350 रुपये। तो ये मेरी उसकी कॉस्ट आती है। इसके बाद में आपको क्या लगाना होगा, ग्लास के ऊपर कैपिंग लगानी है तो आप उसको ले सकते हो जिससे कि ग्लास की जो एज है वो उसमें कवर हो जाए। तो ये सारी आपकी कॉस्टिंग होगी टॉप के फिटिंग्स की, यानी कि जो ऊपर फिटिंग होगी। इसके बाद में उसमें आपके जो ब्रैकेट रिवेट एंड स्क्रू वगैरह की फिटिंग्स होगी तो वो अप्रॉक्सीमेट 20% एक्स्ट्रा होगी इसी की। तो वो मैंने कॉस्ट यहाँ पर ले ली है। अब इसके बाद में जो भी सेक्शन जिसने डिज़ाइन किया है उस रेलिंग को, मैकेनिज्म को, तो वो अपनी डिज़ाइन और वैल्यू इंजीनियरिंग या फिर उसका कोई पेटेंट है तो उसका वो आपसे चार्ज करेगा। और अगर वो सॉफ्ट ड्राइंग वगैरह बना के दे रहा है तो इसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट में यहां पर 30% लेके चल रहा हूं। और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां इस चार्ज को 70-80% भी लेती हैं क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट और मटेरियल्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब इसके बाद में आपकी कॉस्ट आ जाती है लेबर की कॉस्ट, यानी कि उसको लगाने की। तो वो मैं ले रहा हूँ ऑन एन एवरेज 1000 रुपये पर रनिंग मीटर। वो डिपेंड करेगा कि कितनी एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये प्राइस आपका 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो टूल्स एंड प्लांट की एक्सेसरीज हैं वो मैं यहाँ पर 2% ले रहा हूँ ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो टोटल आ रहा है 77445। अब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लोड कर दूंगा 2%, इसके बाद में आपका टोटल हो जाता है 78994। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड जो कि आपका 15% होता है। तो 19,843 आपकी कॉस्ट आ रही है 10 रनिंग मीटर के लिए। और पर रनिंग मीटर के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 9,084 रुपये हमारी इस रेलिंग की कॉस्ट आ रही है। तो ये एक एवरेज प्राइस है, लेकिन जब आप किसी वेंडर से इसका कोट मंगाओगे तो 12-13 हज़ार रुपये पर रनिंग मीटर का प्राइस आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगली जो वर्किंग करेंगे SS पोस्ट ग्लास रेलिंग के लिए। SS पोस्ट ग्लास रेलिंग को मैं आपको बड़ी ड्राइंग में दिखाता हूँ। देखिए ये है वो, ये आपका क्या है, ये वर्टिकल पोस्ट है, ये इसका बेस है और बेस के अंदर फास्टनर कैसे लगे हुए हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो टॉप की रेलिंग हो गई और उसके ब्रैकेट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यही इसकी हम कॉस्टिंग करेंगे। तो ये रेट एनालिसिस करूंगा मैं 12 रनिंग मीटर के लिए और इसमें मैं ले रहा हूँ लैमिनेटेड HS ग्लास। तो ये आप देख सकते हैं कि लैमिनेटेड का जो हमारा PVB के साथ रेट था यहाँ पर 2950 रुपये है, तो वही प्राइस मैंने यहाँ पर लिया है। और ग्लास का जो आपका जो लेंथ और एरिया है वो एज इट इज मैं इनिशियल जो हमने लिया था यही लेके चलूंगा। तो यहाँ पर मेरा 2950 रुपये ये अकॉर्डिंग ये ग्लास की कॉस्ट आ जाती है। 10% मैंने उसमें वेस्टेज ले ली है। अब जो आपके वर्टिकल पोस्ट होते हैं तो एवरेज जो मैंने वेट लिया है 5 kg पर नंबर, यानी कि एक पीस का। उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो आपके स्क्वायर शेप में होते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में है, ये थोड़ा हैवी सेक्शन होता है। जो आपके राउंड शेप में होते हैं वो थोड़े से
हल्के होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में विस्टेज ले रहा हूँ मैं इसी के ऊपर 5% ईपीडीएम की गास्केट की रबर, वो जो कि आपके इन ब्रैकेट्स में जहाँ ये ग्लास टच करेगा मेटल में, ये वहाँ पर लगेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कॉस्ट ले रहा हूँ, वो नंबर्स में आएंगे। इसके बाद में हो जाता है आपके एक्सपेंडेबल फास्टनर, यानी कि आपकी जो रेलिंग में ये क्या होगा कि इसमें आपके 3 या फिर 4 फास्टनर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो मैं ऑन एन एवरेज कितने ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, और 12 मीटर की रेलिंग है तो मैं इसमें 1100 के, यानी कि मैं इसमें 10 पैनल बना रहा हूँ। तो मैं मान रहा हूँ कि इसमें मेरे जो एक्सपेंडेबल फास्टनर हैं वो 33 नंबर्स लग जाएंगे। इसके बाद में जो उनका प्राइस है वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है। इसके बाद में जो टॉप की जो रेलिंग रहेगी, यानी कि जो टॉप में ये जो रेल चल रही है, वो सेम एज इट इज़ कॉस्ट जो हमने यहाँ पर ऊपर कंसिडर करी थी, वही कॉस्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 30 kg मल्टीप्लाई बाई 350, इसके बाद में उसके जो ब्रैकेट की जो कॉस्टिंग 20% फिटिंग्स वगैरह की 20% एक्स्ट्रा, डिजाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग की कॉस्ट मैं यहाँ पर 25% ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक 17,913 रुपये है, लेबर कॉस्ट 1,000 रुपये क्योंकि इसमें भी काम ज़्यादा होता है। इसके बाद में टूल्स एंड प्लांट एक्सेसरीज आपका 2%, इसके बाद में जो टोटल कॉस्ट हो रही है मेरी 1,03,597 रुपये, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसके ऊपर लोड करेंगे तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट आपकी निकल के आएगी 1,21,519 रुपये, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से क्योंकि 12 रनिंग मीटर के लिए ये कॉस्ट मैं ड्राइव आउट कर रहा हूँ, तो 10,127 रुपये के आसपास की ये आपकी पोस्ट वाली जो रेलिंग है वो पड़ेगी जब आप इसको लैमिनेटेड ग्लास के साथ जाओगे। अगर यहाँ पर ग्लास को आपको सस्ता करना है तो आप यहाँ पर टफन ग्लास भी कर सकते हो, क्योंकि उससे कॉस्ट आपकी ये आधी हो जाती है ग्लास की। लास्ट हमारा आ जाता है पिन ग्लास रेलिंग वर्क्स। देखिए पिन ग्लास रेलिंग वर्क्स बहुत ही एक कॉमन है जो ज़्यादातर लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में या फिर जो आपके जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं तो उनमें ये यूज होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेट एनालिसिस 10 रनिंग मीटर के लिए 8 mm की थिक का टफन ग्लास है, वही 10 स्क्वायर मीटर एरिया ले लिया, 1100 रुपये का हमारा ये ग्लास है 8 mm का, तो ये प्राइस मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो 11,000 का हमारा ग्लास हो जाता है, 10% की वेस्टेज यहाँ पर लोड हो जाती है। अब ये जो आपके पिंस लगते हैं ये 1200 mm यानी कि 4 फुट में 4 पिन लगाने होते हैं, तो टोटल रेलिंग की जो मेरी लेंथ कितनी है 10 रनिंग मीटर है, और मैं मान रहा हूँ कि एक एक मीटर का मेरा पैन है या 1200 का पैन है उसकी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 40 पिन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पिन की जो कॉस्ट होती है वो 450 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे आप उसको हैवी करते जाओगे तो ये कॉस्ट आपकी और भी 650-700 रुपये तक भी चली जाती है। तो 22,000 के हमारे ये पिन्स इसमें लग जाते हैं। इसके बाद में आपको टॉप में जो रेल लगानी है वो मैंने यहाँ पर 50 mm डायगी कर दी है, जिसका वेट मैंने ले लिया है 2.3 kg पर रनिंग मीटर, तो 23 kg के आसपास है, प्राइस आपका सेम है। उसके बाद में उसमें जो भी फिटिंग्स वगैरह हैं उसमें हमने कॉस्ट 10% ले ली है, क्योंकि इसमें आज जो भी फिटिंग्स आएंगी ऊपर ही लगेंगी। इसके बाद में डिजाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट है वो मैंने 10% ले ली है, क्योंकि इसमें सिर्फ पिन से रिलेटेड जॉब है। इंस्टॉलेशन यानी कि जो लेबर कॉस्ट है वो 600 रुपये रनिंग मीटर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 हमारी कॉस्ट आ जाती है। रेस्ट 2% आपके टूल्स एंड प्लांट जो भी एक्सेसरीज उसमें यूज होगी, तो उसी अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइसिंग है 6,346 रुपये के आसपास आती है। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे ग्लास की रेलिंग्स के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ सकती है और उसका एक सही तरीका क्या होता है। ये जो एक्सेल की शीट है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसमें एल्युमिनियम के साथ जा रही हैं कि SS के साथ जा रही हैं, उसके ऊपर कोटिंग कौन सी है और ग्लास का सिलेक्शन कौन सा है, इन्हीं के बेसिस पर हमारी ग्लास की रेलिंग की वर्किंग होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और ग्लास रेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आप स्टार्टिंग वाली लाइन को मत भूलना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पता थी या जो भी आपने एक नई नॉलेज गेन की है इस वीडियो से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिससे कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट हो सकूं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।